दूसरे फेज में नामांकन के खत्म होने के बाद अब तीसरे चरण के लिए नॉमिनेशन का दौर रफ्तार पकड़ेगा। इस फेज में 17 सीटों पर 12 दिसंबर को वोटिंग है। इसमें से रांची जिले की 5 सीटें भी हैं। आज रांची की सीट के लिए जेएमएम की तरफ से महुआ माझी का नामांकन होगा। वो बीजेपी के सीपी सिंह को चुनौती देंगी। दोनों लगातार दूसरी बार चुनावी मैदान में एक दूसरे को चुनौती दे रहे हैं, जहां सीपी सिंह रांची सीट से लगातार 5 बार से विधायक बनते आ रहे हैं, तो वहीं जेएमएम की महुआ माझी 2014 में दूसरे नंबर पर थी। इसके अलावा भी रांची और हटिया के लिए आज कई नामांकन होंगे। वहीं दूसरे फेज के लिए आज स्क्रूटनी भी होगी, जहां 20 सीटों के लिए कुल 300 लोगों ने नामांकन किए हैं। तो महुआ के सामने बीजेपी के सीपी सिंह होंगे। वहीं लगातार 5 बार से विधायक बनते आ रहे सीपी सिंह, और सीपी सिंह को दूसरी बार चुनौती दे रही है महुआ माझी। तो दूसरे फेज की 20 सीटों पर आज स्क्रूटनी है। 300 उम्मीदवारों ने आज नामांकन किया था 20 सीटों के लिए। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अंजनी जुड़े हुए हैं। अंजनी, जानना चाहेंगे इस वक्त का माहौल क्या कुछ है रांची में। आज दूसरे फेज के लिए 300 प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया था, और आज इस पे स्क्रूटनी है। कई लोगों के नाम छट सकते हैं आज। कि आज 3 बजे का जो समय होगा, तो उस समय जो स्क्रूटनी किया जाएगा, तो उसमें ये जरूर देखा जाएगा कि कोई यदि खामी है, जो नॉमिनेशन जिन लोगों ने फाइल किया है तो वो खारिज हो सकता है आज। तो कई लोग गलती करते हैं, लेकिन जो अनुभवी जो लोग होते हैं वो अमूमन उनकी गलतियां नहीं होती हैं। तो आज कई लोग जो है जरूर 3 बजे का इंतजार करेंगे, क्योंकि जो चुनावी मैदान में उतरे हैं तो उनका ये आज का दिन काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। आज तमाम लोगों को ग्रीन सिग्नल मिलता है, तो फिर वो आगे जो है अपना चुनाव प्रचार करेंगे, जनसंपर्क अभियान चलाएंगे और वोटरों को अपनी वोटरों तक अपनी बातों को रखेंगे। तो ये एक सेकेंड फेज का जो इलेक्शन का नॉमिनेशन जो है वो आज स्क्रूटनी होगा, और ये इसकी तमाम जो जानकारी है पुनीता वो 3 बजे ही मिल पाएगी। लेकिन जिस तरह से आपने पूछा कि राजनीतिक माहौल क्या है, तो अब पूरे झारखंड में जो राजनीतिक माहौल है वो काफ़ी गर्म हो चुका है। भले मौसम का जो मिजाज है उसका तापमान में गिरावट आई है, लेकिन जो राजनीतिक मिजाज है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। लोगों की धड़कनें बढ़ रही हैं, और आज जो है पुनीता रांची में जो है जेएमएम की जो प्रत्याशी है महुआ माझी वो नॉमिनेशन करेंगी। तो वो लगभग 12:30 बजे रांची समरणालय पहुंचेंगी और वहां पे वो नॉमिनेशन करेगी। तमाम जो बड़े नेता हैं या छोटे भी लोग जो चुनावी मैदान में उतर रहे हैं, तो तमाम लोग शुभ मुहूर्त का इंतजार करते हैं। कई लोग घरों में पूजा करेंगे और पूजा करने के बाद जो है मंदिरों में जाएंगे, भगवान से का आशीर्वाद लेंगे, तब फिर नॉमिनेशन करेंगे। तो उन्हीं में से एक है महुआ माझी आज करेंगी। और सीपी सिंह जो है वो 22 तारीख को 11 बजे के लगभग में वो नॉमिनेशन करने के लिए जाएंगे। ये तो ताज़ा खबर यही है कि सीपी सिंह आज नॉमिनेशन नहीं करेंगे, वो 22 नवंबर के दिन करेंगे। तो उस दिन काफ़ी भीड़ भाड़ होगी, लेकिन आज महुआ माझी जो नॉमिनेशन करने जा रही हैं तो उस वक्त भी जो है काफ़ी भीड़ होगी, काफ़ी समर्थक भी जाएंगे। तो वैसे में जो राजनीतिक पारा है वो धीरे धीरे चढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि पूरे झारखंड में जो है 5 फेज में इलेक्शन होने हैं, और ऐसे में जो है तमाम लोग लगातार मेहनत कर रहे हैं। जो पॉलिटिकल पार्टी के जो लोग हैं वो अपना अभियान चला रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ यदि बात करेंगे वोटरों का, तो इस बार जो है यूथ वोटर सबसे ज़्यादा है। लगभग 37% जो वोटर है यूथ है, तो उनका भी जो मिजाज होगा, किस तरह से बदलेगा, किसे चुनेंगे, तो तमाम चीज़ें अभी पर्दे के पीछे हैं। और लेकिन आज जो है सेकेंड फेज का जो नॉमिनेशन है
वो आज स्क्रूटनी होगा और 3 बजे के बाद तमाम जानकारी मिलेगी कि किसे आगे बढ़ने के लिए ग्रीन सिग्नल मिला या फिर रेड सिग्नल पे ही कई लोग रुकेंगे। जी अंजनी, आज जेएमएम की प्रत्याशी जो महुआ मांझी है वो अपना नामांकन दाखिल करने वाली है, पर्चा भरेंगी। लेकिन अगर बात की जाए रांची विधानसभा सीट की, तो यहाँ से सीपी सिंह लगातार 5 बार विधायक बन चुके हैं और साथ ही साथ 2014 में महुआ मांझी ने भी इन्हें टक्कर दिया था, लेकिन वो हार गई थी और एक बार फिर से वो सीपी सिंह को टक्कर देने आ रही है। तो क्या महुआ मांझी जो है पूरे फॉर्म में है, क्या लगता है कि जो इस बार है, जो नजरिया है वो इस बार जनता का बदलेगा और कुछ पलट सकता है? सीपी सिंह क्या पीछे होंगे महुआ मांझी से? देखिए 2014 में जो इलेक्शन हुए थे तो उस समय झारखंड मुक्ति मोर्चा जो है अकेले रांची से चुनाव मतलब लड़ा था और उस वक्त जो है महुआ मांझी सेकंड पोजीशन पे रही थी, उन्होंने अच्छा फाइट भी दिया था। लेकिन इस बार जो तस्वीर बदल गई है पुनीता, अभी जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा है, उसके साथ कांग्रेस का समर्थन है, राजद का समर्थन है, तो कुल मिलाकर ये कहेंगे कि महुआ मांझी भी जो है इस बार सशक्त दिख रही हैं और वो कड़ी टक्कर देंगी। और जिस तरह से सीपी सिंह लगातार 5 बार विधायक रांची से चुने गए हैं, विधानसभा के अध्यक्ष भी वो रहे हैं और अभी वर्तमान में वो नगर विकास मंत्री भी रहे थे और कई लोग चुनावी मैदान में हैं, तो इस बार जो मुकाबला है आसान नहीं है। इसलिए कहा जा रहा है कि जो सीपी सिंह हैं वो अभी से ही लोगों से मिल रहे हैं, अपनी बातों को रख रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से महाराष्ट्र और हरियाणा के जो रिजल्ट्स आए हैं तो उसमें उसको देखते हुए लगता है कि माहौल जो है थोड़ी बदल गई है और एनडीए हो या यूपीए हो, एनडीए में पूरी तरह से बिखराव हो गया है, अलग अलग लोग लड़ रहे हैं और महागठबंधन में जो है महागठबंधन में भी जिस तरह से बातें कही गई थी कि तमाम दल जो है एक साथ लड़ेंगे, लेकिन उसमें झारखंड विकास मोर्चा जो है अलग चुनाव लड़ रहा है और ऐसे में लेफ्ट अलग लड़ रहा है, तो महागठबंधन में जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा है, कांग्रेस है और राजद है, तो वैसे में फाइट जो है जबरदस्त होगा, लेकिन जो भी जीतेगा कम मार्जिन से जीतेगा। और ऐसे में जो रांची भी एक हॉट सीट मानी जाती है क्योंकि यहाँ से नगर विकास मंत्री हैं और एक तरफ महुआ मांझी है, महुआ मांझी जो है पूर्व में महिला आयोग की अध्यक्षा भी रही हैं, तो एक बड़ा कद है, वो राइटर भी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, तो ऐसे में एक बड़ा बैनर है और कई दलों का समर्थन है, तो रिजल्ट जो है बहुत कांटे का संघर्ष होगा रांची में। रांची की जो सीट है वो कौन बाजी मारेगा, कम मतों से ही विजयी हासिल हो सकता है, जिस तरह से जो राजनीतिक के जो विशेषज्ञ हैं उनका ऐसा मानना है, लेकिन रोमांचक जरूर होगा। लेकिन देखना ये होगा कि आज किस तरह से शक्ति परीक्षण करती है महुआ मांझी, कितनी भीड़ होती है, क्योंकि अमूमन नॉमिनेशन के वक्त भी अपनी शक्ति दिखाने का एक समय होता है, तो एक आज का समय 12:30 बजे है, महुआ मांझी जाएंगी और आज नॉमिनेशन करेंगी, पहले गुरु जी का आवाज जाएंगी और वहां से पैदल मार्च करते हुए वो पहुंचेंगी डीसी ऑफिस। जी अंजनी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो रांची की बात करें तो ये हॉट सीट बनी हुई है क्योंकि जेएमएम प्रत्याशी महुआ मांझी इस सीट से सीपी सिंह को टक्कर देने जा रही हैं। तो एक बार फिर सीपी सिंह को टक्कर देंगी महुआ मांझी और आज महुआ मांझी जो है अपना नॉमिनेशन फाइल करेंगी।